भी हाई फ्रिक्वेंसी को यूज करना सीखना चाहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी मशीन को ऐड करके आप भी मुंह मांगा फेशियल का रेट ले सकते हैं अपने क्लाइंट से। एक्टिव एक्ने हो गए हैं आपके क्लाइंट को, फेशियल समझ में नहीं आ रहा कौन सा करना है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रीना मेकओवर। में रीना मेकओवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो आप लोगों की डिमांड पे फिर एक बार फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों बीच में वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि करवा चौथ की वजह से, आपको पता है सलॉन्स कितने बिजी रहते हैं, तो बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी। वैसे भी आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयां हो, दिवाली आने वाली है, दिवाली की भी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। दोस्तों आपके सलॉन को दौड़ाने के लिए आपके लिए ऐसी ऐसी मशीनें और ऐसी ऐसी ट्रिक्स और ऐसी ऐसी टिप्स आपके लिए लाऊंगी कि जिसको आप ऐड करके अपने सलॉन में अपने फेशियल के रेट मुंह मांगे रेट ला सकते हैं, मुंह मांगा रिजल्ट ला सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और आप एक सुपीरियर क्वालिटी का सलॉन बना सकते हैं। तो जैसे पहले मैंने आपको स्टीमर दिखाया था, इसी तरह से आज मैं एक स्पेशल चीज, एक स्पेशल मशीन और लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग इतने गलत तरीके से यूज कर रहे हैं वीडियोस में, तो मेरे से बिल्कुल देखा नहीं गया। तो इसीलिए मैं राइट सॉल्यूशन और राइट यूज के साथ आपके लिए लेके आई हूँ हाई फ्रिक्वेंसी। ये है पोर्टेबल हाई फ्रिक्वेंसी मशीन जो कि एक्ने के लिए यूज होती है, ये तो बिल्कुल सही है। डैंड्रफ के लिए, हेयर डैंड्रफ के लिए भी यूज होती है, बिल्कुल सही है। पर सब कहते हैं कि ओनली ये जो है, ये मशीन ये जो है ओनली ये जो यूज होती है हमारा सही, तो ये जो यूज होती है सिर्फ, सबको लगता है ऑयली स्किन पे, बट ऐसा नहीं है। ये हम बहुत सारी स्किन पे, बहुत सारी ट्रीटमेंट में हाई फ्रिक्वेंसी मशीन को यूज करते हैं। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि हाई फ्रिक्वेंसी को किस तरह से यूज करना है। इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखो, ये है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन, तो ये इसके साथ बुकलेट भी आती है जो उसकी अटैचमेंट है। तो ये 1000 रुपए से लेके 1500 के अराउंड आती है। ये छोटी वाली मशीन है, पोर्टेबल है, इसकी बिग मशीन्स भी आती हैं, बट अभी सलोन में ये भी बहुत अच्छे से काम करती है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि इसके साथ आएंगे ये टूल्स, और हाई फ्रिक्वेंसी के या कोई भी टूल्स होता है उनको हम स्किन लैंग्वेज में या कॉस्मेटोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में उसको हम प्रोब्स का वर्ड यूज करते हैं। तो दीज आर द प्रोब्स जो कि हमें मिलेंगे हमारे हाई फ्रिक्वेंसी मशीन के साथ। तो इसको बोलते हैं मशरूम, और ये है स्पैचुला, एक स्पून की शेप का होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ओ थोड़े डार्क में, ये हाँ ये देखिए स्पून के शेप का है बिल्कुल, और ये है मशरूम। तो ये हम एक्ने के ऊपर इस तरह से यूज़ करते हैं, ये इस तरह से, और ये हम डार्क सर्कल के लिए और अंडर आई के लिए भी यूज़ करते हैं। पर किस तरह से यूज़ करना, देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस तरह से तो बिल्कुल हमें डायरेक्ट आईज पे नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, ये आपको आगे पता चलेगा। और इसके साथ अटैचमेंट आई है, देखिए दोस्तों इतने सारे अटैचमेंट आते हैं। ये आती है कॉम हाई फ्रिक्वेंसी की, जो स्कैल्प के लिए, डेंड्रफ के लिए यूज होती है, और ये है अंडर आई के लिए, जहां जहां पे एक्ने उस पे देने के लिए। तो बहुत सारे अटैचमेंट होने वाले हैं, तो चलिए हम छोटे छोटे पोर्स में करने के लिए छोटे छोटे टूल्स है, बड़े बड़े टूल्स है, चलिए तो मैं आपको इन सबका यूज बताती हूँ। पहले जानते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी जो मशीन है वो किस तरह से वर्क करती है। ये करती है, एक ये इलेक्ट्रिक करंट है जो दिया जाता है हमारी स्किन के ऊपर। वो किस तरह से दिया जाता है, कोई डायरेक्ट झटका नहीं लगने वाला आपको, इसका एक प्रोसेस है। इसको, इसमें जो आता है करंट वो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है, जैसे कि चार्जर से फोन में जाता है, इस तरह का डायरेक्ट करंट नहीं होता है। और इसमें आर्गन और नियॉन गैसेस निकलती हैं, जिससे पर्पल कलर और ऑरेंज कलर की लाइट इसमें दिखती है। अब गैसेस निकलती हैं दोस्तों, जो बस 5 लाख की स्पीड से जब ये चलता है तो उसमें बहुत ज्यादा ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन मतलब बार बार सर्कल जो होता है, तो 5 लाख टाइम 1 सेकंड में होता है, तो उससे गैसेस निकलती हैं। और तो उसमें आर्गन गैस निकलती है और नियॉन गैस निकलती है। जो आर्गन गैस होती है वो पर्पल कलर की होती है, और नियॉन जो होती है वो होती है ऑरेंज कलर की। ये बहुत डीप थ्योरी है, ये मैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उसकी पूरी एक क्लास बन सकती है, पर अभी आप मेन चीजें जान लीजिए। दोस्तों वो जो लाइट निकलती है उसमें जर्मिसाइडल जो है बेनिफिट होते हैं, मतलब उसमें इतने बेनिफिट होते हैं कि वो जर्म्स को किल कर सकती है, जैसे हमारे एक्ने हैं, चाहे वो पॉस्टुलर मतलब पस वाले एक्ने हो, चाहे रेड एक्ने हो, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इसके जो है प्रॉब्स दिए हुए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये लीफ वाला है तो ये एक्टिव एक्ने के लिए है, मतलब रेड वाले जो एक्ने होते हैं उसके लिए होता है ये। और ये जो है हमारा, देखिए ये पस्चुल जो होता है ये हमारे होते हैं पस वाले एक्ने के लिए, जो पस वाले एक्ने होते हैं उसके लिए यूज होता है। और मशरूम जो है वो पूरे चीक्स में जहाँ पे भी आपको ऑयल या एक्ने दिखते हैं वहाँ के लिए यूज होता है। तो किस तरह से यूज करना है तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये ऑयली स्किन पे भी यूज कर सकते हैं और ड्राई स्किन पे भी यूज कर सकते हैं, पर दोनों को यूज करने का
तो दोनों को जो यूज करने का मेथड है वो टोटली डिफरेंट है, तो ये हम आगे जाने की कैसे कैसे यूज करना, तो चलिए अब इनकी हम यूजेस जो है वो शुरू करते हैं किस तरह से आपको करना है। तो देखिए दोस्तों हमारी जो मॉडल है वो रेडी है, आज फिर से ही हमारी मॉडल आ गई है दोबारा से, आपने पहले भी देखी होगी तो। पर दोस्तों आज हमारी जो मॉडल है उसके एक्ने हो गए हैं, देखो ये रहे उसके एक्ने, यहाँ पे मैंने उसके एक्ने बना दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चल पाए, क्योंकि लाइव क्लाइंट पे मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास मॉडल नहीं है, मेरे जेन्युइन क्लाइंट होते हैं, तो इतना लंबा जेन्युइन क्लाइंट पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं आपको अपनी इस मॉडल ब्यूटीफुल मॉडल पे सब चीजें करके दिखाती हूँ। तो पहले हम ले लेते हैं मशीन, हम कनेक्शन लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये है हमारी प्रॉप, तो दोस्तों इसके लिए इसके अंदर होल होता है, होल के अंदर हम इसको डाल देंगे ऐसे, बस ये हो गई हमारी रेडी। इसको ऑन करेंगे तो आपको दिख रहा है इसके अंदर ऑरेंज लाइट आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अंधेरा करके। इसको ऑन करेंगे ऑरेंज लाइट आ रही है, इसी तरह से एक्ने पे वर्क करती है, जर्मिसाइडल इफेक्ट होते हैं इस लाइट में जो कि एक्ने को बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं, मतलब खत्म कर। तो मैं कहती हूँ दोस्तों जैसे आप इसको यूज करोगे ना ऐसे ऐसे करके, तो एक पंजिन से स्मेल आएगी, बस पंजिन मतलब कुछ जलने की, जैसे कोई हमारे बाल वगैरह जलते हैं या कुछ से, कभी देखा ना स्मेल आती है एक अलग, जो एक्ने के ऊपर जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल करता है, इसलिए वो स्मेल आती है। तो ये भी एक पॉइंट है जिससे आप पता चल सकता है कि ये वर्क कर रही है। तो सबसे ये वीडियो में देखा है कि आंखों के ऊपर इसको लगाया जाता है, या आप देख लो वीडियो की, वो लोग इसकी आईज के ऊपर, इस मशीन को भी बंद है मशीन, इस तरह से यूज कर रहे हैं दोस्तों, इस तरह से क्लाइंट की आंखों के ऊपर इस तरह से यूज कर रहे हैं, इस तरह से ये देखो बिल्कुल आंखों के लिड के ऊपर इस तरह से, ये जो लिड है इसके ऊपर ऐसे 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 यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस पे है करंट, जरा सा भी करंट लगा तो आंखें जा सकती है, तो इसलिए रिस्क ना लें। आंखों के ऊपर बिल्कुल भी इसको यूज नहीं किया, अंडर आई में कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, बट लिड के ऊपर आईज के ऊपर बिल्कुल नहीं करना। ये देखो वीडियो में इस तरह से दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं यूज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल राइट वे सिखा रही हूँ हाई फ्रिक्वेंसी मशीन को यूज करने का, बिल्कुल भी डायरेक्ट स्किन पे नहीं देना है, पहले हमें क्लिंजिंग करनी है, स्क्रबिंग करना है, और उसके बाद हमें एक्ने होते हैं तो ज्यादा मसाज नहीं देते, आपको पता है अगर एक्ने होंगे तो मसाज देना नहीं है, सीधा हम देंगे हाई फ्रिक्वेंसी। तो जो भी आपको एंटी एक्ने फेशियल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको ये यूज करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, आई पैड्स लेने हैं, और सबसे पहले ड्राई, बिल्कुल चेहरा ड्राई होना चाहिए, ड्राई हमारा जो है वो आई पैड होने चाहिए, देखो इस तरह से ये है, तो इस तरह से हम आई पैड लगा देंगे। यहाँ पे मैंने आई पैड लगा दिए क्लाइंट के, ये देखिए आपको भी इस तरह से लगाना है, और गॉज ले लेंगे एक ड्राई, और एक गॉज को इसके ऊपर लगा देंगे, नहीं तो पट्टी लगाएंगे, और उसके बाद हम यूज करेंगे अपनी हाई फ्रिक्वेंसी। तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी ये इस तरह से ऑन कर लेनी है, अभी इसमें नहीं चल रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ऑरेंज लाइट दिखेगी आप लोगों को। देखिए दोस्तों ये हमारी मॉडल है और ये हमारी मशीन में ऑरेंज लाइट आ रही है, तो जहां पे भी एक्ने होंगे देखिए इस तरह से हमें इस तरह से इसको करना है, एक्टिव एक्ने हैं तो ये, और पॉस्चुलेट है दूसरा वाला, तो इस तरह से चीक्स में हमें 5 मिनट तक देनी है हाई फ्रिक्वेंसी, जहां जहां पे आपको लगे, फोरहेड पे लगे फोरहेड पे, यहाँ पे लगे यहाँ पे, चिन पे इस तरह से देनी है, इस तरह से हमें हाई फ्रिक्वेंसी को देना है, पर ये ध्यान रखना है कि आईज के ऊपर हमें बिल्कुल नहीं देना है, और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किन लोगों को देना है किन लोगों को नहीं देनी है हाई फ्रिक्वेंसी, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। लगा लिए दोस्तों मशरूम शेप, तो इसको भी इसी तरह से चीक्स पे, पूरे चीक्स पे, फोरहेड पे, जहाँ पे भी आपको लगे ऑयल ज़्यादा है, नोस्ट्रिल के साइड में, पर ध्यान रखिएगा कोई भी मेटल ना हो, ना तो नोज पिन हो, ना कुछ और चीज़ें नाक पे या गले में कुछ पहना हो, ये ध्यान रखना है, स्पेशली निकाल देना है क्लाइंट की इयर रिंग्स, क्लाइंट के नाक की जो भी चीज़ पहनी हो वो सब, गले में कुछ पहना हो वो सब निकाल के इसको भी इसी तरह से यूज़ करना है। तो अब मैं इसको सिखाती हूँ आपको हेड पे कैसे करना है, तो हेड पे भी बहुत इजी है, हेड पे हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने ये लगा दिया सपोज, तो हमने एक सीधी सीधी मांग निकालनी है, और जिस तरह से हम हेयर पे ऑयल लगाते हैं, या ये देखो ऑन हो गया आवाज आ रही है ना, तो ये देखिए इस तरह से जैसे यहाँ पे है ये मांग निकाली हुई है मैंने, तो इस तरह से बहुत सिंपल इस तरह से हाई फ्रिक्वेंसी देनी है कि जो डेंड्रफ को दूर कर देती है जड़ से, सच्ची में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, क्लाइंट की
अच्छे से सेक्शनिंग कॉम से जो है बाल इस तरह से निकाल निकाल के क्लाइंट को इस तरह से मसाज देती हैं पूरे हेड पे, कम से कम 10 मिनट तक तो देना ही देना है। ये देखो इस तरह से कॉम भी करेंगे, अच्छे बटन है, यहीं से इसको हम ऑफ करते हैं, यहीं से ये ऑन होता है, यहीं से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यहीं से इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो क्लाइंट से बार बार पूछते रहना है कि तेज़ तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो मशीन आपने यूज़ करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया है आज हाई फ्रीक्वेंसी जो मशीन है वो किस तरह से यूज़ करनी है। भी एंटी एक्ने फेशियल के साथ इसको यूज़ करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप 1500 की जगह आप 2000-2500 का भी अपने फेशियल इसको बना सकते हैं सिर्फ ये मशीन यूज़ करके, और अपने हेयर स्पा में भी इसको यूज़ कर सकते हैं हेयर के लिए। तो आप इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि इससे जबरदस्त जो है फ़ायदा होने वाला है हमारे क्लाइंटों का और आपका भी, क्योंकि आपका सलोन में अगर ये चीज़ रहेगी ना तो आप एक हाई क्लास सलोन वाले बनोगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसके साथ आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो सबसे कोई पूछे आपसे कि भाई क्या होता क्या है इसमें, तो आपको पता तो होना चाहिए। इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़ोर से निकलता है, एक ही सेकंड में 500,000 बार वो इधर से उधर होता है, जिससे गैसेस जो है वो निकलती है और वो जो आर्गन गैस और नियॉन गैस होती है, और उन गैसों का बेनिफिट ये होता है कि वो जर्मिसाइडल होती हैं। जर्मिसाइडल मतलब, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ इसलिए आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, जर्मिसाइडल इफेक्ट मतलब कहीं भी कोई जर्म से कोई चीज़ हमारे स्किन पे पैदा होगी जिससे एक्ने हो जाते हैं या गंदी कोई एलर्जी हो जाती है, वो सबको भी ये इसको डेड कर देते हैं। इसमें से गैस निकलती है उसको जला के मार देती है दोस्तों। तो इसलिए बहुत अच्छी है। डेंटर भी हमारे एक तरह से जर्मिसाइडल एक फंगस ही होता है, तो इसलिए इसको भी यूज़ करते हैं, वो इसको भी क्लीन कर देता है। तो बहुत 1000 से लेकर 1500 की ये मशीन है जो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक डाला है, वहाँ जाके भी इसको खरीद सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी मशीन है, आपकी वैल्यू बढ़ा देगी आपकी सलोन की और आपके फेशियल की। तो ज़रूर इसको यूज़ करें, पर बिल्कुल भी आइस के ऊपर ना लगाएं, थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों पर नहीं यूज़ करना, अस्थमा के पेशेंट पे नहीं यूज़ करना है। पहले उनसे पूछेंगे, उनके एक पैच टेस्ट देखें, ज़रा से उनकी स्किन पे पहले टच करके देखेंगे, अगर उनको सूट करता है तो हम करेंगे। किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। किसी ने अगर इम्प्लांट करा रखा है, हार्ट में इम्प्लांट है, रूट कनाल लगा रखा है, दांत में उन्होंने सिल्वर या मेटल का कुछ लगा रखा है, या उनका हार्ट सर्जरी हुआ है, या कहीं फेस पे कुछ ऐसी सर्जरी हुई है कि जो मेटल यूज़ हुआ है, या उन्होंने अभी पीलिंग का कोई लिया है या लेज़र ट्रीटमेंट कराया है, इन सबको नहीं देना है। अगर किसी को मिर्गी यानी एपिलेप्सी भी है तो भी नहीं देना है, प्रेगनेंसी है तो भी नहीं देना है, कहीं कट है, बर्न है, कोई एलर्जी है तो भी नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले क्लाइंट से पूछ लेनी है। और बिल्कुल ड्राई स्किन और ड्राई हेयर पे इसको यूज़ करना है। मैं देखती हूँ यूट्यूब पे गीली स्किन फेशियल क्रीम के ऊपर इसको लगाया जा रहा है। दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आइस के ऊपर बिल्कुल ना लगाएं, किसी की आंखों की रोशनी जा सकती है आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से। इसीलिए ये वीडियो देख के ना मेरा मन हुआ मैं बताऊं कि भाई आपको हाई फ्रिक्वेंसी किस तरह से यूज़ करनी है। फर्दर और डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट पे एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगी, कि मुझे लग रहा है कि मेरी एक अलग सी फैमिली बन रही है, क्योंकि सब लोग कहते हैं वीडियो बहुत बड़ी होगी, पर जिन लोगों को सीखना है ना वो एक एक टूल की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि जैसे मशरूम है तो कैसे यूज़ करना है, जैसे ये है एक लीफ है तो ये कैसे यूज़ होनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट इतनी सी वीडियो में इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती। कमेंट करिएगा अगर आपको ये पूरी डिटेल से और जानना है, तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीना मेकओवर में आप सबका स्वागत है। एंड आप इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।